चिटफंड कंपनियों ने फर्जी स्कीमों से जनता को करोड़ों रुपए का चूना लगाया। वहीं प्रशासन अब उन पर कड़ी कार्रवाई कर रहा है। प्रदेश सरकार ने भी चिटफंड कंपनियों के डायरेक्टरों को पकड़कर उनकी संपत्ति जब्त करने के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत पुलिस लगातार चिटफंड कंपनियों के डायरेक्टरों की धरपकड़ कर रही है। ऐसे ही आम जनता के करोड़ों रुपए हजम करने वाले चिटफंड कंपनी निर्मल इंफ्रा होम के 6 लोगों को बिलासपुर पुलिस ने पकड़ने में सफलता हासिल की है। मामले की जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण रोहित झा ने बताया कि कंपनी ने जिले में 7 करोड़ सहित राज्य में 13 करोड़ रुपए गबन किया है। लगातार शिकायतों के बाद पुलिस टीम ने यहां चिटफंड कंपनियों के डायरेक्टरों की पता साझी कर रही थी, जिसके बाद अब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। साथ ही उनकी संपत्ति कुर्की कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। छत्तीसगढ़ शासन के मंशानुरूप बिलासपुर जिले में चिटफंड कंपनियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई जारी है। विगत दिनों पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में, उनके निर्देशन में अलग अलग 6 टीमें तैयार की गई थी, जो विभिन्न राज्यों पर जा करके आरोपियों की पतासाजी कर रही थी। इसी मामले में निर्मल इंफ्रा होम जो चिटफंड कंपनी है, उसके 6 डायरेक्टरों का भुवनेश्वर जेल में सीबीआई के मामले में निरुद्ध होना पाया गया। इस मामले में यहाँ के कोर्ट से प्रोडक्शन वारंट जारी करवाया गया और जारी करवा के इनको 6 आरोपियों को आज यहाँ के न्यायालय में पेश किया गया। इनसे आगे पूछताछ की जाएगी।